हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना उतना ही आसान और खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्रिस्पी स्वीट कॉर्न वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप स्वीट कॉर्न लिए हैं। ये फ्रेश वाले स्वीट कॉर्न है और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। साथ में ही मैंने यहाँ पे लिए दो हरी मिर्चें, एक इंच अदरक का टुकड़ा और दो लहसुन की कलियाँ। तो सबसे पहले मैं लूँगी एक ग्राइंडर जार और इनको डाल के दरदरा पीस लूँगी। उसके बाद हम स्वीट कॉर्न को पीस के तैयार करेंगे। तो पहले मैं ये पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने ये पीस लिया है। अब मैं इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर दूँगी और इसको भी दरदरा पीस लेंगे हम बिना पानी के। तो बहुत ज़्यादा इसका फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है। तो देखिए, हमने इसे दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल हमने इसे, कोई कॉर्न के दाने भी हो तो वो भी चलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमें बिल्कुल इसका बारीक पेस्ट बनाना है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। कॉर्न के साथ शिमला मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस्ट जाता है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ में ही मीडियम साइज़ का एक बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूँगी, 2 चम्मच बेसन, 1/2 कप चावल का आटा, तो इसे डाल देंगे। साथ में मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूँगी। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 2 पिंच हींग, इससे बहुत ही अच्छा हमारा डाइजेशन रहेगा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, साबुत जीरा है ये, 1 टीस्पून यहाँ मैंने आमचूर लिया है यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हाथों से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों को हमने अच्छी तरह वॉश किया था पहले। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मिश्रण अच्छी तरह बाइंड नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और मिला सकते हैं, क्योंकि हमें इसे बिना पानी के डाले ही सभी चीज़ों के साथ मिक्स करना है। पानी डाल देंगे तो वड़े की शेप नहीं आएगी, जो हम कॉर्न वड़ा बना रहे हैं उसकी शेप प्रॉपर नहीं आएगी। तो ये देखिए, हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, ये गर्म ऑयल है, और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इससे बहुत ही क्रिस्पी हमारे वड़े बन के तैयार होंगे। तो अब हाथों को कर लेंगे थोड़ा सा ग्रीस और इस तरह नींबू जितना मिक्सचर लेके हम इसके वड़े बनाना शुरू करेंगे। तो बहुत ही आसानी से इसके वड़े बन जाते हैं, तो इस तरह शेप देते हुए। देखिए, इस तरह हम वड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो सभी वड़ों को मैं इसी तरह बना के तैयार कर लूँगी। तो इस तरह मैं सभी वड़े बना लूँगी। देखिए, हमने सभी कॉर्न वड़े को बना के तैयार कर लिया है और ऑयल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अच्छा तेज़ गर्म हमें ऑयल चाहिए इसके लिए। मैं एक एक करके अपने कॉर्न के वड़ों को डाल दूँगी और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इनको फ्राई करेंगे। तो जितने एक बार कढ़ाई में आए उतने हमें वड़ों को डालना है और गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, हमारे कॉर्न के वड़े गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। स्वीट कॉर्न वड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। हमारे दूसरे बैच का भी नाश्ता बन के तैयार हो गया है, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इनके ऊपर। तो मैं निकाल लेती हूँ इनको भी और सर्व करने की तरफ चलती हूँ। तो ये देखिए, क्रिस्पी स्वीट कॉर्न वड़ा बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी हमारे वड़े बने हैं फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगते हैं खाने में। आप भी फ्रेंड्स ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के नीचे क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर करें।
और बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ।